ये रुआब कैसे बना आपका दादू? किस्मत से फाइट मारोगे ना मुन्ना तभी किस्मत नहीं सुनेगी। अगर अपराध करने वाले को सजा देते हैं तो करवाने वाला बच निकलता है, और अगर करवाने वाले को सजा देते हैं तो करने वाला बच निकलता है। तंजौर में मैं पैर तक नहीं रखूंगा। क्यों, नंदिनी के कारण? नहीं, तुम्हारे। अरुण मोरी और करिगार्डन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। दोस्तों, इस हफ्ते इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का महा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ बॉलीवुड के विक्रम वेधा, वही दूसरी तरफ साउथ इंडिया की PS1। बताना चाहूंगा दोस्तों, दोनों ही फिल्मों ने एडवांस बुकिंग से ताबड़तोड़ कमाई कर ली है और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर होने को तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विक्रम वेधा और PS1 में किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की। तो चलिए शुरू बात करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि PS1 और विक्रम वेधा में आप किस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें पैन इंडिया फिल्म PS1 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है मणि रत्नम सर ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं चिया विक्रम, जयम रवि, कार्थी, ऐश्वर्या राय और उनके साथ में है त्रिषा कृष्णन। बताना चाहूंगा दोस्तों, फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म की सबसे ज्यादा बुकिंग हो रही है तमिल वर्जन, यानी कि फिल्म की ओरिजिनल भाषा में। हालांकि बात कर ली जाए कि फिल्म ने अभी तक सभी भाषाओं से टोटल कितनी कमाई की, तो दोस्तों यहां पर PS1 की सिर्फ तमिल से बुकिंग 10,37,00,000 रुपए की हुई है और फिल्म की टिकटें 5,00,000 से ज्यादा बिक चुकी है सिर्फ तमिल वर्जन की। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म की तेलुगु वर्जन से 1,10,00,000 रुपए की बुकिंग हुई है, जहां पर टोटल टिकटें लगभग 55,000 बिक चुकी है। बात करें हिंदी वर्जन की, तो हिंदी वर्जन में फिल्म को काफी ज्यादा ठंडा रिस्पॉन्स मिला है और फिल्म की हिंदी में बुकिंग अभी तक हुई है सिर्फ 22,00,000, जहां से फिल्म के टिकटें 10,770 बिक चुकी है। वही दोस्तों, फिल्म की मलयालम वर्जन में बुकिंग 11,00,000 रुपए की हुई है, जहां से फिल्म की टोटल टिकटें 8,000 से भी ज्यादा बिक चुकी है। अगर दोस्तों जोड़े टोटल बुकिंग के बारे में, तो यहां पर दोस्तों PS1 ने सभी भाषाओं से ऑल इंडिया एडवांस बुकिंग 11,71,00,000 रुपए की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया में फिल्म की एडवांस बुकिंग 11,71,00,000 रुपए की हुई है, वही फिल्म की टिकटें 6,00,000 से ज्यादा बिक चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की इंडिया में तो बुकिंग सॉलिड हुई, साथ ही साथ फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से भी अभी तक लगभग 7,00,00,000 रुपए की बुकिंग कर ली है। इसी के साथ दोस्तों, यहां पर PS1 की जो वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग है वो लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो फिल्म की एडवांस बुकिंग इतनी सॉलिड है, तो सोचिए कि फिल्म को ओपनिंग यानी कि पहले दिन का कलेक्शन कितना दमदार मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब अगर बात करें बॉलीवुड की फिल्म विक्रम वेधा के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है पुष्कर गायत्री ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और उनके साथ नजर आ रहे हैं सैफ अली खान। बताना चाहूंगा दोस्तों, यह फिल्म सिंगल लैंग्वेज की फिल्म है, यानी कि फिल्म को हिंदी के अलावा किसी और भाषा में रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक रीमेक फिल्म होने के बावजूद भी इसकी जो एडवांस बुकिंग है वो एक तरह से काफी शानदार हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन के स्टारडम की वजह से है। जी हां दोस्तों, फिल्म को रिलीज होने में अभी भी कुछ घंटे का समय बाकी है, लेकिन विक्रम वेधा फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग से टोटल कमाई कर ली है 4,45,00,000 रुपए की। जी हां दोस्तों, फिल्म की ऑल इंडिया में एडवांस बुकिंग 4,45,00,000 रुपए की हुई है, वही फिल्म की ओवरसीज से टोटल एडवांस बुकिंग 3,95,00,000 रुपए। यानी कि दोस्तों, यहां पर विक्रम वेधा की जो वर्ल्ड वाइड टोटल एडवांस बुकिंग है वो लगभग 8,00,00,000 रुपए की हो चुकी है। तो इस फिल्म की भी एडवांस बुकिंग एक तरह से डिसेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं PS1 विक्रम वेधा से काफी आगे निकल चुकी है। वैसे दोस्तों, आप विक्रम वेधा और PS1 में किस फिल्म को देखने जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।